हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर आया हूँ कि इंक्यूबेटर में कई लोगों का कंप्लेंट होता है कि सर हमें सही से चूजे नहीं निकलते। तो ये वीडियो पूरा देखिए, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको आराम से 95+ का रिजल्ट मिलेगा। कुछ चीजें होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है इंक्यूबेटर इस्तेमाल करने में, तो ये चीजें क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये 7 चीजें आप जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है ये मैं बताता हूं। तो शुरुआती तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 पॉइंट्स मैं एक एक शुरू करूंगा। बड़ी आराम से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सबसे पहले होते हैं अंडे। इंक्यूबेटर में आपको अंडे कैसे रखने हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको अंडे जो है ताजे लेने बहुत जरूरी है। ताजे मतलब क्या होता है, 5 से 6 दिन पुराने अंडे लेने हैं, इससे ज्यादा पुराने अंडे नहीं लेने हैं। आप किसी भी तरह का हैचिंग कर रहे हो, जैसे आप मुर्गी कर रहे हो, बदक कर रहे हो, बटेर कर रहे हो, या कुछ और भी कर रहे हो, फैंसी बर्ड करते हैं कोई लोग, तो कुछ भी आप कर रहे हो, तो सबसे पहले एक ध्यान रखिए, अंडे जो है आपको ताजे ही लेने हैं। 4 से 5 दिन पुराने अंडे और इससे ज्यादा पुराने अंडे बिल्कुल ना लें। अगर आप ज्यादा पुराने अंडे लोगे तो आपको सीधा सीधा जो है इसका असर आपके हैचिंग पर पड़ेगा, आपका रिजल्ट कम होगा। तो सबसे पहले होता है ताजा अंडा, ये होता है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट होता है अंडों की साइज। तो साइज का ऐसा है कि भाई छोटे अंडों में भी कई बार जान बन जाती है, लेकिन ज्यादातर छोटे साइज के अंडों में आपको क्या होगा, जान नहीं बनेगी, आपका अंडा वेस्ट होगा और आपका रिजल्ट कम होगा। तो अंडे की साइज बहुत मायने रखती है। अंडे जो है 45 ग्राम से ऊपर के अंडे, मतलब 45 ग्राम से नीचे का अंडा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 45 ग्राम से ऊपर का अंडा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट जो है 95% मिलने में बड़ी आसानी होती है। ये हो गए 2 पॉइंट, ये बताया मैंने आपको 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो देखिए सिर्फ अंडा आपने मशीन में रखने से चूजा नहीं निकलेगा। तो होता क्या है, अंडा फर्टिलाइजर होना बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर मतलब नर मादी से अंडा क्रॉस होना, ये बहुत जरूरी होता है। और इसका एक रेशियो होता है कि आपके 10 मुर्गियों के साथ आपके 3 मेल होना जरूरी है। मतलब अगर आपके पास 10 मुर्गियां है, 10 फीमेल है, तो उसके साथ 3 मेल आपके पास होना बहुत जरूरी है, तो ही आपके अंडों में से जान बनेगी और अंडे मीटिंग होगे, फर्टिलाइजेशन होगे और फिर उन अंडों में जान बनेगी। जो आप बाजार से 3 रुपए 4 रुपए में जो अंडा खरीद कर लाते हो उनमें कभी भी जान नहीं बनती है, क्योंकि उन मुर्गियों को सिर्फ अंडों के लिए पाला जाता है, उनके साथ नर नहीं होता है, क्योंकि वो नर रखेंगे और नर के साथ उन्हें नर को खाना खिलाना पड़ेगा, तो उनका उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ मादा मुर्गियों को संभाला जाता है केज के जरिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पे केज बताया जा रहा है, जो केज है उनमें इन्हें संभाला जाता है। इस वजह से उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ कोई नर नहीं होता है, सिर्फ मादा होती है। तो बाजार से इस तरह से अंडे खरीद के कोई भी इंक्यूबेटर में ना रखे, तो आपके अंडों में जान नहीं बनेगी और आपके अंडे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन वाला, कि आपके 10 मुर्गियों के साथ 3 नर मुर्गे होना जरूरी है, तो ही इसे फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन आप इंक्यूबेटर में अंडे रखने के बाद भी चेक कर सकते हो, पहले नहीं चेक कर सकते। तो बाद में किस तरह से चेक करना है, तो बाद में चेक करने के लिए आप जो है 7 से 8 दिन के बाद अंडों को कैंडलिंग कर सकते हो। कैंडलिंग का वीडियो की मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ, नीचे कैंडलिंग का एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। तो कैंडलिंग कैसे करना है ये पूरी जानकारी उसमें दी गई है। 7 से 8 दिन पे आप कैंडलिंग कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके पास जो अंडे हैं, जो आपने इंक्यूबेटर में रखे हुए हैं, उनमें जान बनी है नहीं बनी है, या फिर कितने अंडों में जान बनी है, आपको बताया ये तीसरा पॉइंट। अब है चौथा पॉइंट, इंक्यूबेटर में टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो देखिए इंक्यूबेटर आप कोई भी बॉडी में बनाइए, किसी भी तरह का आप कंट्रोल पैनल यूज कीजिए, जो टेम्परेचर है आपको 37.7 ही रखना होता है। आप कोई भी इंक्यूबेटर यूज कीजिए, किसी भी तरह की बॉडी होनी चाहिए या किसी भी तरह का आपका पैनल हो, टेम्परेचर जो है 37.7 का ही रखना है। 0.1 या 0.2 से आगे पीछे चल जाता है, लेकिन उसका जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है यह 37.7 होता है।
तो ये बहुत मायने रखता है आपका जो टेम्परेचर है इंक्यूबेटर का। तो ये होता है चौथा पॉइंट कि टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, तो 37.7 आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैंने आपको ये चार पॉइंट बताए। अब पांचवा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है अगर मशीन में नहीं बनेगी तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं आएगा। रिजल्ट सही आने के लिए आपकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत सही होना जरूरी है। ऑन एन एवरेज आपकी ह्यूमिडिटी जो है मशीन में 70 से लेकर 80 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी ह्यूमिडिटी मशीन के अंदर 70 से 80 के बीच होती है तो आपका रिजल्ट बढ़िया आपको मिल जाता है। मशीन में ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आपको पानी जो है, मशीन के अंदर जो हम पानी रखते हैं वो पानी हल्का गुनगुना रखना जरूरी है, या फिर आप फॉगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मशीन में फॉगर भी लगा सकते हो। अब हो गए हमारे ये पांच पॉइंट। अब छठा पॉइंट, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज कर रहे हो तो इसमें आपको जो है कम से कम दिन में 2 बार अंडे रोटेट करना, अंडों को घुमाना या पलटी करना बहुत जरूरी है। सुबह और शाम दिन में 2 बार अगर आप अंडे रोटेट नहीं करोगे, सेमी ऑटोमेटिक मशीन अगर आप यूज कर रहे हो और दिन में 2 बार अगर आपने अंडे रोटेट नहीं किए तो आपका रिजल्ट सही से नहीं आने वाला है। तो अगर आप दिन में 2 बार रोटेट करोगे तो ही आपको ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार सुबह, एक बार शाम, कोई भी वक्त, जो भी वक्त आपके लिए मुनासिब हो, आप सुबह और शाम दिन में 2 बार अंडे रोटेट जरूर करें। ये होता है छठा पॉइंट। आते हैं आखिरी पॉइंट पे, सात नंबर। तो इसमें क्या है, अगर आप कोई भी इंक्यूबेटर खरीदते हो तो उसे ऑक्सीजन पॉइंट्स होना जरूरी है। एयर सर्कुलेशन के लिए उसके अंदर होल किया हुआ बहुत जरूरी है। अगर आपके इंक्यूबेटर में होल नहीं है और सही से होल नहीं है तो भी आपको जो है और टेम्परेचर का प्रॉब्लम रहेगा और आपके अंडों में जान बनेगी और अंदर ही जान फंसकर मर जाएगी। तो कोई भी इंक्यूबेटर हो, खासतौर पे सेमी ऑटोमेटिक, तो इसमें जो है 4 होल होना जरूरी है, कम से कम 1 इंच वाला, 1 इंच के 4 होल होना जरूरी है। अगर नहीं होते हैं तो आपका टेम्परेचर ओवर होगा, खास तौर के गर्मियों में या फिर दोपहर के पीरियड में, जब गर्मी होती है या बिना गर्मी के जब दोपहर का पीरियड होता है 12 से 5 का, इस पीरियड में जो है आपका ओवर टेम्परेचर हो जाएगा और फिर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। और जैसे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है आपके अंडों में जान बनेगी जरूर, लेकिन वो अंदर ही फंस कर मर जाएगी। तो इन 7 चीज़ों का अगर ध्यान आप रखते हो तो आपका रिजल्ट 95+ आना ही आना है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।